असलम वेलकम टू माई चैनल गुजीन कल्चर वी आर बैक अगेन विद एन अदर रेसिपी एन सॉफ्ट रेड बीन सेलेड आज मैं आप लोगों को स्टेप बाई स्टेप बहुत ही ईजी और यमी सैलड की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी एज यू कैन लुक इन द वीडियो इट लुक्स वेरी डिलीशियस और बहुत ही सिंपल है तो अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं सबसे पहले हमने यहाँ पर टू मीडियम साइज़ कैप्सिकम क्यूब शेप में कट किया उसके बाद टू टमाटोज़ और टू अनियंस क्यूब शेप में हमने कट कर लेने हैं One bowl of chicken chunks and एंड bowl of corn, कॉर्न chopped cucumber and lastly लास्टली green ग्रीन and we are done with the mixture. These are half kg red beans जो मैंने ऑलरेडी बॉयल करके यहाँ पर निकाल ली हैं नाउ लेट्स गेट स्टार्टड विद द Sauce सॉस के लिए मैंने सारी इंग्रीडियंट्स यहाँ पे रख दी हैं अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ हमने इसमें क्या डालना है यहाँ पे सबसे पहले हमने नमक डालना है नमक हंसपे ज़रूरत डालें सिक्स टेबल ऑफ़ लेमन जूस फ़ाइव टेबल ऑफ़ टोमेटो एंड चिली कैचअप ईच चाट मसाला वन टेबल स्पून पेपरिका वन टी स्पून एंड वन टी स्पून ऑफ ऑरिगानो नाउ लेट्स टेक अ बोल एंड मिक्स दम ऑल इंग्रीडियंट्स टुगेदर यहाँ पे अब हम सब इंग्रेडिएंट्स को वन बाय वन मिक्स कर रहे हैं सॉस बनाने के लिए अब हम सब इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिक्स कर देंगे और फिर हमारी सॉस रेडी टमाटो कैचअप लेमन जूस चाट मसाला ऑरिगानो लीव्स पेपरिका पाउडर सॉल्ट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट और यहाँ पे हमारी खूबसूरत सी सॉस तैयार अब यहाँ पे हमने सेपरेट बोल ले लिया और उसमें हाफ के जी बॉयल्ड रेड बीन्स ऐड कर लिए हैं इसके बाद हम अपनी सब कटी हुई वेजिटेबल्स और चिकन चंक्स ऐड कर लेंगे इसके अंदर यहाँ पे हमने अपनी सारी वेजिटेबल्स ऐड कर लिए हैं और देखिए कितना ख़ूबसूरत लग रहा है उसके बाद जो हमने सॉस रेडी की थी वो रेड सॉस हम यहाँ पर इस मिक्सचर के अंदर ऐड कर देंगे और अब हम एक स्पून के साथ अच्छी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता इसको मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ साथ हमारा रेड बीन सेलेड बिल्कुल रेडी है अब आप इसको टेस्ट करें और सबको टेस्ट करवाएँ एंड गाइज इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ गिव इट अ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग